तंत्र दोस्तों आपका साथी है, जो आपके अंतर में पॉजिटिवनेस है उसको इंक्रीज करता है और जो नेगेटिव है उसको ख़त्म कर देता है, जा उसका रूपांतरण कर देता है। आपने नकारात्मक को भी कैसे अपने काम में लाना है, कैसे उसको पॉजिटिव वे में लाना है, ऐसा है तंत्र का कार्य। तंत्र विद्या जैसी कोई और विद्या नहीं है। ये विद्या आम लोगों से लेकर के राज दरबार तक अपनी सत्ता रखती है, अपनी शक्ति रखती है। ये विद्या एक छोटे से छोटा गांव का व्यक्ति भी इस्तेमाल कर सकता है, जो बड़े से बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है उसको भी इस विद्या की ज़रूरत है। ऐसी विद्या आसान है, इजी है, जिसमें आप कोई परहेज ना करते हुए भी, छोटी सी साधना करते हुए, आप संस्कृत जानते हैं नहीं जानते हैं, ज़्यादा वक्त दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं, बस कुछ ही वक्त देना है, पर मन से देना है। जो देना है पूर्ण रूप से देना है, और फिर मिलेगा भी आपको पूर्ण रूप से। अधूरे रहकर ये सफ़र आप नहीं कर सकते, और तंत्र का मकसद भी है कि आपको पूर्ण करना, आपको पूर्ण विकास की ओर ले जाना, आपको पूर्ण मानव बना देना, और पूर्ण मानव बनाते 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 देवता बना देना, और देवता के आगे भगवान के चरणों में चले जाना। ये तंत्र का मकसद है। वो तंत्र बनाया ही आम लोगों के लिए गया, क्योंकि जो वेद की पूजा है बहुत विद्वानों की पूजा है, उसमें जब तक आप प्रकांड पंडित नहीं हैं, आप संस्कृत के महाज्ञानी नहीं हैं, आप नहीं कर सकते हैं। और बार बार आप पंडित जी लोगों को बुला नहीं सकते हैं, और ऐसी भी स्थिति आ गई कि वेद की विधि बहुत महंगी होने लगी, तो तब तंत्र की ओर लोग भागे। तंत्र में बहुत कमियां आ गईं, फिर उधर भागे लोग। आज भी ऐसी ही स्थिति है कि व्यक्ति निश्चय नहीं कर पा रहा। और मैं तो ऐसा कहता हूं कि आप मान लीजिए दिल्ली से बॉम्बे जा रहे हैं, तो वेदोक्त पूजा ऐसी है कि आप मस्ती से कार में जा रहे हो, सफर करते करते एंजॉय करते करते, और तंत्र फ्लाइट में जा रहे हो तो तंत्र से जा रहे हो।